Hello students, this is a third part of the story writing of animation outline. We now need to start thinking in terms of what we can communicate visually rather than sense. In feature film, screenplays are often adopted from novels. This requires knowing what can be translated to the screen, what will work visually and what information can be communicated visually without tooling the audience. Whatever you think, it always takes longer than you would think to reproduce something from the printed page on the screen. Think just how much has to be left out when translating a novel. The answer which forever taxes screenwriters, which forever loads screenwriter, is to reduce it, knowing that can be left out while still retaining the integrity of the original work. Outlining the plot will also give you a firm idea of exactly what the major characters do and who they are. 6. The pitch. Most stories have a moral or a pitch, a couple of sentences or even a few words used to sell the idea, which communicates the essence of the tale. This is extremely helpful in knowing exactly what you need to tell the story, what is less important and what can be removed, cut out. 7. Refining the script. Traditionally, animation studios, the board artist pitches his board to the director to see if it's working in the way the director imagined. The board artist will pin his storyboard panel into a wall and talk the director through the sequence. Thank you. Outline. अब हमें नीड है इस टर्म में सोचने की, क्या हम कम्युनिकेट कर सकते हैं विजुअली रादर देन सेंस. इन फीचर फिल्म में स्क्रीन प्ले के लिए नॉवल से अक्सर एडेप्ट किया जाता है या न्यू यूज या चेंजेस किए जाते हैं नॉवल से. अब इस चीज के लिए रिक्वायरमेंट है जानने की व्हाट कैन बी ट्रांसलेट टू द स्क्रीन. अब स्क्रीन के ऊपर जो हमें उतारना है, अब ये वर्क करेगा विजुअली और क्या इंफॉर्मेशन हम कम्युनिकेट कर रहे हैं विजुअली विदाउट टोल्डिंग द ऑडियंस. जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, इट ऑलवेज टेक लॉन्गर. ये हमेशा बहुत लंबा टाइम लेता है. जब तब आप सोचेंगे कुछ रिप्रोड्यूस करने की, जो कुछ प्रिंटेड मैटर है वो स्क्रीन के ऊपर उतारने की आप सोचेंगे. सोचिए जस्ट हाउ मच जो नावल के अंदर है वो आपको स्क्रीन पे उतार. जस्ट थिंक हाउ मच हैज टू बी रिमूव, कितना उसको रिमूव करना है. जब आप उतार रहे हैं एक नावल को अपने स्क्रीन के ऊपर, इसका जो आंसर है हमेशा एक लोड, एक स्ट्रेन, एक भार रहता है स्क्रीन राइटर के ऊपर कि उसको रिड्यूस करना है. जो वो जानता है कि उसमें से क्या लेफ्ट आउट, क्या रिमूव करना है, जब वो स्टिल अभी भी रिटेन, अभी भी वो चीज बनी हुई है द इंटीग्रिटी ऑफ द ओरिजिनल वर्क, अभी भी ओरिजिनल वर्क के साथ उसका जुड़ाव, उसका कनेक्शन, उसका एक एक फॉर्म, एक एक उसका सीन उसके साथ जुड़ा हुआ है. ये सबसे बड़ा स्क्रीन राइटर के ऊपर लोड है. आउटलाइन द प्लॉट विल आल्सो गिव यू फॉर्म आइडिया. एक सॉलिड आइडिया देता है एग्जैक्टली व्हाट द मेजर कैरेक्टर डू, क्या करते हैं इसमें मेजर कैरेक्टर, एंड हु दे आर, वो कौन है. दिस इज आउटलाइन.
6 पॉइंट पिच। मोस्ट स्टोरीज में एक मॉरल मैसेज रहता है या एक पिच रहती है, जिसका मतलब है कपल ऑफ सेंटेंस और इवन ए फ्यू वर्ड्स, कुछ वर्ड्स जो यूज किए जाते हैं बेचने के लिए, टू सेल द आइडिया, आइडिया को सेल करने के लिए, जो वो कम्युनिकेट करता है द एसेंस ऑफ द टेल, जो कहानी का जो निचोड़ है उसके साथ कम्युनिकेट करता है, उसको बताता है। ये हमारे लिए एक्सट्रीमली हेल्पफुल है कि जानना एक्सैक्टली व्हाट यू नीड टू टेल द स्टोरी, की स्टोरी में हमें क्या बताना है और क्या कम इम्पोर्टेंट है और क्या इसमें हम कुछ कट आउट कर सकते हैं। 7th पॉइंट, रिफाइनिंग द स्क्रिप्ट। ट्रेडिशनल एनिमेशन स्टूडियो में बोर्ड आर्टिस्ट पिच को, आइडिया को बोर्ड के ऊपर पिनअप करता है कि डायरेक्टर उसको देख सके कि जिसके ऊपर उसे काम करना है और जो डायरेक्टर का वे इमेजिन किया है उस तरह वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। द बोर्ड आर्टिस्ट स्टोरी बोर्ड को भी पिनअप करता है, स्टोरी बोर्ड पैनल को भी पिनअप करता है इनटू द वॉल के ऊपर एंड टॉक द डायरेक्टर से बात करता है टू द सिक्वेंस के बारे में, फ्रेम बाय फ्रेम सीक्वेंस के बारे में वॉच किया जा सके, इसमें ऐड किया जा सके।